यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा भी बहुत है। आरोप है कि एक महिला को उसके पति और पति की बहनों ने चौथे माले से नीचे फेंक दिया, जिससे महिला की जान चली गई। आपको बता दें कि महिला ब्लॉगर थी। दरअसल ये महिला लंबे समय से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जहां महिला रितिका को उसके पति ने अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली मृतका रितिका की शादी साल 2014 में फिरोजाबाद के रहने वाले अमित गौतम के साथ हुई थी। पति अमित से अनबन के बाद रितिका करीब 1.5 साल से अपने प्रेमी विपुल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वहीं उसका पति अमित काफी समय से रितिका को तलाश रहा था और आखिरकार उसे रितिका के आगरा में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो अपनी बहनों के साथ अपार्टमेंट में पहुंचा और तीनों ने पहले रितिका के हाथ बांधे और उसके बाद रितिका को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। रितिका का चौथे माले से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं विपुल को, जो बता रहा है कि उसके साथ लिव इन में रहने वाली रितिका के साथ क्या हुआ। नहीं थी आपकी? नहीं, हम लोग साथ रहते थे, हमारे डिवोर्स चल रहा है, हम लोग साथ रहते। विवाद कुछ चल रहा था आपके वहाँ? हाँ, वो उनका जो पति है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है, वो बहुत जिनके पीछे पड़ा हुआ था। क्या नाम है पति का? आकाश गौतम। कहाँ पर रहते हैं वो? ये नगला झम्मन टूनला। कहाँ पर? नगला झम्मन टूनला। वो कुछ नहीं करता है, वो शुरू से ही उसके वही। पूरे मामले पर आगरा के एसएसपी का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये ताजगंज क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में एक महिला लिव इन में लगभग 1.5 साल से अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। उसकी शादी एक दूसरी जगह हुई थी और ये लोग छुप के लगभग 1.5 साल से यहाँ पर रह रहे थे। उसका जो पहला वाला हस्बैंड है वो और उसकी बहनें और कुछ और लोग आज जब उन्हें पता चला तो अपार्टमेंट के 4th फ्लोर पर गए थे और वहाँ उनके साथ मारपीट की और बाद में आरोप यह है कि उन्होंने लेडी को जो लिव इन में रह रही थी उसके पति ने और उसकी बहनों ने और जो और लोग थे उन्होंने नीचे फेंक दिया, जिससे नीचे गिरने से उस लेडी की डेथ हो गई है। इसमें दो जो इसका पति है लेडी का मृतका का वो गिरफ्तार किया गया, उसकी नंद को गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ और लोगों की तलाश की जा रही है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्या ऐसा भी गुस्सा किसी काम का कि जान की परवाह ही ना हो? क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है? रितिका की मौत के बाद वाली तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम उसे आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन रितिका के साथ जो हुआ वो भयावह है। इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।